है सिंध की धरती के अबर शेरों, गांधियों, शहीदों की औलादों, हुसैन अली सलाम की पैरवी पे चलने वालों, मौला अली की औलाद में से मोहम्मद राशिद रौजे भाई को चुनकर उनका जिक्र लेने वालों, आज 6 सितंबर और मुझे महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि फिर से शाह मर्दान शाह की रूह हमारे साथ खड़ी हुई है, मुझे खुशबू महसूस हो रही है हमारे मुर्शिद की। जो लोग फिर से शाह मर्दान शाह से मिले थे उन्हें खुशबू याद है, फिर से शाह मर्दान शाह की कैसी निराली खुशबू आया करती थी फिर साहब। पीर साई महसूस हो रहे हमारे साथ खड़े हुए, आज वही दिन है 6 सितंबर जिस दिन अपनी धरती की हिफाजत के लिए हमारा पीर उमरकोट तशरीफ लाया था और कैसा दम करके फूका था कि बूढ़े बूढ़े भी जवान हो गए थे। तुम लोगों ने फतह कर लिया था, कभी मत भूलना अपनी असलियत, हुर कभी बोलते नहीं हो सकता, हुर कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। जो तुम लोगों में से कमजोर है तो मुझे आज के वीर सरदारों ने भेजा है तुम्हारे पास, जैसे कैलेंडर से पहले बोधला आया था तो आज के वीर सरदारों का मैं बोधला हूं। अगर वीर आएगा तो जालिमों के लिए धरती कल्टी हो जाएगी, जालिमों की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जबर कोई मसला ही नहीं है तुम लोग तुम्हारे दिल के लिए, बड़े बड़े बदमाश जो बने रहते हैं उनकी अगर घरों को जलाना आ गया तो इनके आगे दिल फट जाएंगे। फरमाते हैं ये मेरी जमात पुराना नाम हुर जमात का, हुर जमात का पुराना नाम राजकीय जमात था। जब सिमरत पहले वीर पगारा पे थे तो बरेली के सैयद इस्माइल और सैयद अहमद तशरीफ आए, जो सिखों से लड़ने के लिए लाहौर जा रहे थे तो पुराने एयरपोर्ट में उस वक्त के पीर पगारा सिमरत पाशाह अवध ने अपने मुजाहिद जमा करके दिए और उनका नाम एहरार रखा गया। एहरार हुर की जमा को कहते हैं। और वो जिन्हें उसमें कमी को कही आ रही है तो दोबारा कायम करो जिक्र से। रोजे नहीं फरमाया करते थे
तीन किस्म के मरीज होते हैं। एक होता है बाहर की तरफ, दूसरा होता है दरख्त की तरह, जो हवा चलती है तो कभी किस तरफ झुक जाता है कभी किस तरफ, लेकिन जड़ें मजबूत होती हैं। और तीसरा होता है पत्तों की तरह, कि हवा चलती है तो कहीं मिल जाता है, उधर से हवा चलती है उधर हो जाता है। तो मुझे यकीन है तुम लोग जबल की तरह, पहाड़ की तरह मजबूत खड़े होने वाले लोग हैं। अगर कभी कमजोर हो जाओ तो दरख्त तो बन जाना, पत्ते मत बनना जो हाथ उड़ जाते हैं। कुछ उलमाए कराम हमारे सिकंदरी आलिम भी मुझसे सवाल करते हैं कि पीर सईद शामर दानशाह ने सियासी जमात क्यों बनाई। अरे बाबा खैर, कुछ उलमाए कराम भी मुझसे सवाल करते हैं कि पीर सईद शामर दानशाह की शान बहुत आला थी तो उन्होंने क्या जरूरत पड़ी थी सियासी जमात बनाने की। उसका जवाब भी मैं आपको देता चाहूँ। पीर सईद शामर दानशाह को कोई दुनियावी लालच नहीं थी। जब वजीर आजम बनने का मौका आया तो खुद बनने के बजाय अपने हुर मोहम्मद खान जुरेजी को वजीर आजम बनाया। आपने गौर से सोचे कि इतने बड़े पीर को सियासी जमात बनाने की क्या जरूरत। सोचे अगर ये मुस्लिम लीग फंक्शनल ना होती, अगर ये सियासी जमात ना होती तो एक ही घर में से एक हुर पीपल्स पार्टी में होता, दूसरा जमायत इस्लामी में होता, तीसरा जमीयत उलमा इस्लाम में होता, तुम लोग बिखर जाते। इसी तरह तुम लोगों को दुनियादारी चलाने के लिए नौकरी, रोड, रास्ता, बिजली, गैस, ये गरीब मुल्क है, इसमें आपको लीडरशिप के पीछे भागने के बजाय आप घरों में से लीडर पैदा कर रहे थे। तो पीर सईद शामर दानशाह ने मुस्लिम लीग फंक्शनल बना के थी, अब वो भी तुम लोगों का ईमान का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि खुलफाए राशिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद जो खलीफा आए वो रूहानी भी और दुनियावी भी आपके वजीर आजम थे और सियासी मामलात भी चलाया करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिरौन की काबीना में वजीर ज़रात थे और फिर अजीज़े मिस्र बने। अजीज़े मिस्र का मतलब वजीर आजम बने, बादशाह नहीं बने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर आजम बने और जिस फिरौन की काबीना में वजीर आजम बने वो फिरौन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। तो आप लोगों को बहुत मजबूती के साथ अपने दरगाह के निजाम, अपनी पांच वक्त नमाज और दो वक्त का जिक्र जिस तरह कायम रखना है उसी तरह, उसी तरीके से मुजाहिद बनकर अपने मुल्क की हिफाजत और फौज का साथ देना है, उसी तरीके से जामिया राष्ट्रिया के आलिमों का साथ देना है, उसी तरीके से मुस्लिम लीग फंक्शनल का साथ देना है। ये सारी चीजें तुम्हारा मुर्शिद जोड़ के गया है तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। कुछ लोग हमारी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, अलग अलग किस्म के प्रोपोगंडा करते हैं, हमारे खानदान में नफरतें डालने की कोशिश करते हैं, उनके कहने में कभी मत लगना। मैंने हमेशा ये कहा, अभी हम आ रहे थे रास्ते में, कुछ जमायत के लोगों ने गाड़ी रोककर हमसे गुजारिश की कि दुआ करें। एक तरफ इस्लाम कहता है कि अगर कोई तुम्हें कहे दुआ करो तो दुआ तुम्हें करनी चाहिए,
दूसरी तरफ इस्लाम ही इजाजत देता है मसीहत का कि मसीहत के तहत कभी नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए दुआ का हक, दीदार का हक, ईमान का हक आप लोगों का एक मुर्शिद है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका कि हम पीर नहीं, हम भी तुम्हारी तरह हुर मुजाहिद और फकीर हैं। रास्ते में जिन लोगों ने कहा कि दुआ करें, मैंने उन्हें रोक दिया कि हम दुआ नहीं करेंगे। आप जिम्मेदारी हो, अल्लाह ने आपका धनार पीर पगारों को बनाया है, वो आपको सामने अल्लाह ताला का सबसे प्यारा बंदा और प्यारा रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी उम्मत है। उस उम्मत में से लाखों लोगों का एक टोला बनाकर मोहम्मद राशिद रोजी खली के हवाले कर दिया गया। रहमतुल्लाह अलैह की मंसूबात है कि जो मेरे मनसब पर बैठेगा वो ही रोजे खड़ी होगा। मतलब तुम लोग जमात किसकी हो? पगारे की। तुम्हारा नारा किसका है? पगारे का। तुम्हारी दिलेरी किसकी है? पगारे की। तुम्हारी नुमाइंदगी किसकी है? पगारों की। उसी तरह हमारी जान, हमारा ईमान तुम्हारे मुर्शिद पर, हमारे मुर्शिद पर होता है। जब ये कहा जाता है हमें, जब ये हमें कहा जाता है कि पगारा खानदान ने बहुत कुर्बानियां दी, तो मैं नाम सोचने लगता हूं कि खानदान में से किस किस ने कुर्बानियां दी। पीर पगारों के अलावा किसी बेटे ने, किसी भांजे ने, किसी सोट ने, किसी मासाब ने, खानदान कोई जंग में चला, किसी ने कुर्बानी दी, किसी को कोई याद है तो मुझे नाम बताए। पीर पगारों का खानदान हुर है, हुरी पीर पगारों का। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आज भी खुदा ना खास्ता अगर जंग हो जाती है तो जो पीर पगारों का दुनिया का भी और आखिरत का भी असल खानदान जो मेरे सामने खड़ा है, पीर पगारों का खानदान बॉर्डर पे जाके लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय साहिबान में से भी पीर गोष्ठी हमारे काफी राष्ट्रीय बैठे हैं, पीर झंडों में बैठे हैं, काफी जगहों पर बैठे हैं, उनमें से भी कुछ आ जाए आपके साथ और बॉर्डर पे चले तो मैं उनको भी सलाम पेश करूंगा। लेकिन सारे बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन पीर पगारों का खानदान हो जमाए। हम हो जमात को अपने आप से ज्यादा अफजल मानते हैं क्योंकि हमने ना कोई जंग लड़ी ना कुर्बानी दी, पीर पगारों ने दी और उनके हुरों ने दी। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला मैं अभी जाकर वापस पीर साहिब पगारा को आपके जोश और खरोश का किस्सा सुनाऊंगा और आप लोगों के लिए खास दुआ करवाऊंगा, जाके खुशखबरी सुनाऊंगा कि आज भी मुजाहिदों का जोश बरकरार है। नौजवानों में जोश कम है, नौजवान तो और भी अधिक कहते हैं कि पढ़ लिख जाने से ईमान कमजोर हो जाता है। मैं कहता हूं पढ़ लिख जाने से ईमान और मजबूत हो जाता है। आप लोग मंसूबात की तरफ भी तवज्जो दें, अपने बच्चों को अपने मुर्शिद का शिजरा भी दिखाएं, बताएं कि हमारा मुर्शिद कोई जुमेराती नहीं है, हमारा मुर्शिद हुसैन की औलाद है, अली की औलाद है और सच्चा सैयद है।
बता दें कि पीर पदारों का काम इलेक्शन लड़ना, गवर्नर बनना, वजीर आजम बनना नहीं है। पीर पदारों का काम उम्मत को, उम्मत मोहम्मद को, मोहम्मद करीम की उम्मत को हर तकलीफ से बचाना पीर पदारों का काम। खानदान के फर्द बाद में, पहले ये वाले खानदान में से वजीर बनेंगे, वजीर आला बनेंगे, वजीर आजम। अब आप लोग खैर खैरियत से घरों की तरफ रवाना होंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, इतनी गर्मी में आप लोगों ने तकलीफ की, बड़ा शुक्रिया। उन्होंने जिंदगी आपके मुर्शिद को दे दी, सारी जिंदगी। हम छोटे थे, हमेशा ही मुजफ्फर सा याद है, जब वजीर आला थे, पीर साहब के घर पे आया करते थे, हमसे बड़ी शफकत और प्यार किया करते थे, हमें वो दिन भी याद है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह अरबाब रहीम साहब को भी कामयाब करे, तुम्हारे मुर्शिद से सच्चा प्यार करता है। एक तो कई पुष्टों से जमाती है, दूसरा 84-85 से तुम्हारे मुर्शिद की खिदमत करता चला आ रहा है। मुझे यकीन है कि जो तुम्हारे मुर्शिद से प्यार करेगा, तुम भी उससे प्यार करोगे। ज्यादा मानो मरूम को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। ज्यादा मंजरों का भाई और बेटे भी हमारे साथ इस स्टेज पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनको भी तुम लोग मजबूत करो और इनको भी हम हिदायत करते हैं तुम्हारा साथ में। हम जिले के सदर मगन मंजरों साहब से भी ये हिदायत करते हैं कि इधर दफ्तर खोल के उसकी टाइमिंग सेट करें, ताकि फिर बजाय लोगों का इंतजार दफ्तर में करने के, गली मोहल्लों में और गोठों में निकल जाया करें और लोगों से खैर खैरियत मालूम किया करें। इंशाल्लाह अमन और सुकून होगा, अपनी हुकूमत जरूर कायम होगी और पीर पदारों का हुर वजीर आजम हाउस पे बैठेगा। सबकी बड़ी मेहरबानी।